This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. Hello everyone, welcome back to Gateway Solutions. कैसे हैं आप लोग friends? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में HTML कैसे डाउनलोड कर सकते हो. ओके, तो चाहे आप विंडोज का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो तो आपने सेम यही मेथड यूज करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ओके, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखें, कहीं से भी किसी पार्ट को स्किप ना करें, और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है. ओके, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे सब लाइन टेक्स्ट. ओके, और इंटर प्रेस कर देंगे. यहाँ पर आपको जो ये फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है www.sublimetext.com, इसे आप ओपन कर लीजिए. आप सीधा यहाँ डाउनलोड पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए हमें ये सारे वर्जन इस सॉफ्टवेयर के मिल रहे हैं. तो आप अगर मैक ओएस के लिए करना चाहते हैं तो आप इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास विंडोज 32-bit है, फोर मान लीजिए आपके पास विंडोज 7 है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है विंडोज जो सिर्फ विंडोज शो हो रहा है. और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का 32-bit पोर्टेबल वर्जन चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए. फिर हमारे पास है 64-bit विंडोज के लिए. जैसे आपके 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज 64-bit इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इसी तरह से इसका पोर्टेबल वर्जन भी अवेलेबल है. फिर अगर आपने लिनक्स में अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके भी सेम हमारे पास 64-bit और 32-bit सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं. ओके, तो हमने यहाँ पर 64-bit डाउनलोड करना है तो हम इस लिंक पर क्लिक कर देंगे. अगर आप 32-bit करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर देना. ओके, तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते, तो मेरी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और हम लोग इसे कंप्लीट होने देते हैं. जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप डाउनलोड्स में चले जाइए. चाहे आप यहीं इस बटन पर, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके जो ये आपको शो इन फोल्डर का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए. आप यहां से भी डाउनलोड्स के अंदर चले जाएंगे. यहां पर हम जो ये exe फाइल हमारी डाउनलोड हुई है इस पर डबल क्लिक कर देंगे, और आपको यूजर अकाउंट कंट्रोल विंडो शो होगी. इसमें यस और नो दो ऑप्शन होंगे, आपने यस पर क्लिक कर देना. अब मैं इन बाकी चीजों को मिनिमाइज कर लेता हूं, और ये है पाथ कि कहां पर ये डाउनलोड हो रहा है. अगर आपने चेंज करना है तो आप ब्राउज पर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए. तो हम यहां नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर से, और फिर हमें ये डेस्टिनेशन लोकेशन शो हो रही है, हम यहां इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे. ओके, तो जब आपको ये स्क्रीन शो होगी आपने फिनिश पर क्लिक कर देना. अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं अपने डेस्कटॉप पर, और उसके बाद अगर मैं यहां पर सर्च के अंदर टाइप करता हूं सब, तो आप देखिए ये सबलाइन टेक्स्ट 3 हमें शो हो चुका है. इस पर क्लिक करके हम इसे रन कर लेंगे. तो ये हमें न्यूअर वर्जन के लिए बोल रहा है कि अवेलेबल है. अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए, और आपका ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. बट मैं इस समय नहीं कर रहा है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है. तो यहाँ पर आप HTML का कोड देंगे, और अगर उसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा. हम यहाँ पर W3 स्कूल से कोई भी HTML का कोड ले लेते हैं, तो ये वाला कोड ले लेते हैं हम लोग, और इसे यहां पर पेस्ट कर लेते हैं. तो देखिए ये हमारा कोड यहां पर आ चुका है. इसके बाद हम लोग इस फाइल को यहां पर सेव कर लेते हैं. मैं इसे डेस्कटॉप पर ही कर लेता हूं. आपने ये एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग डेमो. तो इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ मिनिमाइज, और अगर मैं ये जो डेमो हमने कोड बनाया है इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है. ओके, तो देखिए ये हमारा कोड यहाँ पर रन हो चुका है. तो इस तरह से आप लोग
अपने लैपटॉप में आपके कोई भी वर्जन है विंडो का, अपने कंप्यूटर में HTML डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।